यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड अगर आपको नहीं पता है तो द जेम सिस्टम हैज़ बीन एडेड इन द गेम एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है दैट आई हैव सीन इन द गेम टू ग्रो योर पावर फास्टर एंड ऑन अ डेली बेसिस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है एंड यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दिस एज मच एज यू पॉसिबली कैन। एंड आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप अपने जेम्स को बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा मैक्स और बहुत ही सही तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि सारे के सारे जेम्स अच्छे नहीं है। देर आर ओनली अ फ्यू दैट आर गुड। एंड ये हमने गेम के आने के बाद अपडेट के कुछ ही घंटों में इस तरह का कुछ बना लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है? दिस लुक सिक, राइट? तो मैं सभी डिटेल बताने वाला हूँ कि ये कैसे आप भी अचीव कर सकते हो वेरी वेरी फास्ट, एंड कौन से जेम्स आपको लगाने हैं, कौन से जेम्स नहीं लगाने और बाकी जेम्स का क्या करना है। तो ये ऑल इन ऑल जेम्स गाइड होने वाली है एंड दिस विल मेक यू अ प्रो एट दिस जेम्स सिस्टम। तो चलिए चलते इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, टू द ईजिएस्ट वे टू एक्वायर जेम्स ऑन अ डेली बेसिस इज गोइंग टू बी द न्यू गेम मोड बैटलफील्ड ऑफ केओस। लेकिन दिस बैटलफील्ड ऑफ केओस हैज़ अ कैवियट, एक कैच है इसके साथ। अब वो कैच क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 अलग अलग डंजन देखने को मिलेगा, अलग अलग कूल डाउन के साथ है, जैसे कि टाइमर आपको देखने को मिलेगा एंड 2 गेट्स जो ओपन देखने को मिलेंगे, बैरन विल्डरनेस एंड टायरियन रूइंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैरन विल्डरनेस के बेसिस पे। यहाँ पर आप देख सकते हो रिवॉर्ड काउंट आपको देखने को मिलेगा 0 out of 3 डेली रिवॉर्ड क्लेम काउंट। बट आप देखोगे हम वेव 7 पर है, तो हम वेव 7 पर आए कैसे, क्योंकि हम तो सिर्फ 3 बार क्लेम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 1, 2 और 3 को क्लियर किया टू गेट द रिवॉर्ड्स, क्योंकि वो लेना ही पड़ेगा बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम क्लियर। बट उसके बाद से जो आप क्लियर करोगे आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट स्टिल वी आर पुशिंग हायर, क्योंकि ज़्यादा हाई वाले पे, ये ट्राइंगल वाले देखो ऐड हो गए यहाँ पर, तो मतलब ज़्यादा हाई वाले पे ज़्यादा रेयर जेम्स मिलने का चांस है। जैसे हम टीयर 6 पे आते हैं, आप देखोगे ट्राइंगल वाले गायब हो चुके हैं। और फिर अगर आई बिलीव टीयर 3 पर हम आएंगे, टीयर 3 पर या टीयर 2 पर, ओके, तो सिर्फ टीयर 2 से ये ओवल वाले शुरू होते हैं, अदरवाइज सिर्फ सर्कल वाले टीयर 1 पे, एंड टीयर 7 से डायमंड वाले आने लगते हैं, ट्राइंगल वाले, एंड टीयर 10 तक ये टोटल जाता है। टीयर 10 का पा रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो 6,21,500, ये तो भाई अभी होने ही नहीं वाला, बॉसेस के ही लेवल 85 है, तो ये तो भाई होने ही नहीं वाला, यहाँ तक पहुँचने में भी हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। 5 lakh पावर, आर यू किडिंग मी? बट आई थिंक जेम्स के वजह से जो आपको पावर बूस्ट मिलेगा ना, उनको मद्देनजर रखते हुए इसे बोला जा रहा है। ये वाला हम क्लियर कर सकते हैं समहाउ विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बट आई डोंट थिंक इसके ऊपर वाला हम बिल्कुल भी क्लियर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक वी कैन डू इट एट द मोमेंट, बट मिड स्पेंडिंग और अच्छा अकाउंट बनाया हुआ ये वाला क्लियर कर पाएगा। तो मैंने टीयर 7 तक पुश कर दिया, आई विल क्लियर इट व्हेन आई गेट द टाइम। आज ही कर लेंगे हम बेसिकली, कल के रीसेट से पहले, बिकॉज फिर ये चले जाएगा, इस पे टाइमर लग जाएगा और ये वाला अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, फायर वाला, रेड वाला, जिस पर बहुत अच्छा स्टैट्स है। अब हर एक जेम के अलग अलग स्टैट्स है, उस पर भी हम आएंगे, बट ये वाला ओपन हो जाएगा और बाकी 4 क्लोज रहेंगे। फिर परसों ये 2 खुलेंगे और बाकी 3 क्लोज रहेंगे, इस तरीके से कुछ चलेगा ये। सो ये सिस्टम थोड़ा सा वियर्ड है, 5 है इस वजह से, बट आई थिंक इनको ऐसे करना चाहिए था कि मंडे टू फ्राइडे एक 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 गेट खुले एंड सैटरडे संडे सारे के सारे गेट खुले रहे, या फिर ये 3 और फिर ये 2, इस तरीके से सैटरडे एंड संडे रेस्पेक्टिवली। सो दैट वुड हैव बीन बेटर इन माई ओपिनियन, बट ठीक है, वट एवर दे डू, जिस तरीके से इन्हें करना है कर सकते हैं टाइमर। बट अब आते हैं, जेम्स आपको मिल गए यहाँ से, राइट? एक और तरीका जेम्स को हासिल करने का है बॉन्ड सिस्टम। सो वेन यू हैव SSR इन द गेम, राइट? सो लेट से मेरे पास एक SSR गेम में नहीं है, विच इज लिमटेग्यू, तो मैं लिमटेग्यू पे ही जाता हूँ, तब को देखने को मिलेगा कितने रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो एक SSR बेसिकली आपको 110,000 गोल्ड देगा यहाँ से, 150 एसेंस स्टोन, 2 समन टिकट्स ऑन द सिलेक्शन ड्रॉ, एक ओवल वाला जेम और एक ट्राइंगल वाला जेम, ठीक है, और एडवांस करने पे 20,000 गोल्ड, 40 ऑफ दीज मटीरियल, 10 ऑफ दीज मटीरियल, और आई बिलीव ये 250 ब्लेसिंग स्टोन पाउडर और 2 लेजेंडरी रून चेस्ट, जिनसे लेजेंडरी रून आप निकाल सकते हो, चांस है लेजेंडरी आने का, विच इज़ ग्रेट, बट इसमें रून्स गारंटीड है, यू डोंट गेट द फ्रैगमेंट, तो ये बहुत सही है, ये प्रीमियम चेस्ट है। मैं सजेस्ट करूँगा सबको कलेक्ट करना चाहिए एज मच एज दे कैन, एंड सारे एक साथ ओपन करने चाहिए, तो आपको डेफिनेटली लेजेंडरी वाले मिल सकते हैं। तो ये है, तो यहाँ से भी आपको जेम मिलता है ट्राइंगल वाला, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है फ्रॉम द बैटलफील्ड ऑफ केओस। सो अब आपको यहाँ पर जेम लगाने हैं, राइट? सो अब यहाँ पर आप कौन से जेम्स लगाओगे? लेट से अगर मैं यहाँ पर एक अपना छोटा वाला जेम लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सो आई बिलीव इट शुड बी एबल टू गो हियर, ओके, सो वी डोंट हैव अ सैम्पल टू शो, ओके, वन सेकेंड,
ओके सो वी हैव अ सैम्पल हियर, ठीक है. मैं चाहूँ तो ये स्पीड वाला जिम लगा सकता हूँ, लेकिन ये रैंक वन है. रैंक वन सबसे ख़राब जिम होता है. रैंक वन से बेटर है रैंक टू, रैंक टू से बेटर है रैंक थ्री, एंड रैंक थ्री से बेटर है रैंक फोर. बैटल फील्ड ऑफ क्योस से आप सिर्फ रैंक थ्री तक फार्म कर सकते हो. अगर आपको रैंक फोर चाहिए तो आपको फ्यूजन में आना होगा. यू हैव टू फ्यूज योर जेम्स ऑल द वे टू हियर, एंड रेट ऑफ सक्सेस इज सुपर सुपर लो. 20% सक्सेस रेट है, तो 1 out of 5 इज अ सक्सेस एंड डेफिनेटली. ठीक है, बहुत मुश्किल से ये आपको मिलने वाले हैं. यहाँ से आप बनाओगे ओवल वाले, ओवल वाले से आप बनाओगे ट्राइंगल वाले, ट्राइंगल वाले से फिर आप बनाओगे स्क्वायर वाले. अब स्क्वायर वाला इज द एंड गेम, और ये कोई पेमेंट वगैरह करके भी आप नहीं ले सकते हो. इट इज़ नॉट अ फ्री पे टू विन सिस्टम. बट या अब हम आते हैं हर एक अलग अलग इसके स्टैट्स पर, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू शॉप. अच्छा हाँ, शॉप से भी आप एक्वायर कर सकते हो, वो भी मैं दिखा देता हूँ. सो आपको आना है शॉप पे. यू हैव टू गो टू एक्सचेंज शॉप. ओके, एक्सचेंज शॉप से आप इसको एक्वायर कर सकते हो. ओके, सो विल गो टू एक्सचेंज शॉप, विल गो टू माना क्रिस्ट, विल गो टू वेप या सेलिब्रेशन एक्सचेंज. या सेलिब्रेशन एक्सचेंज में यहाँ पर आपको दिखाई देगा यू कैन गेट दिस जेम लकी चेस्ट 20 times, और यहाँ से 30 times आप ले सकते हो जेम लकी चेस्ट इन 20 days. ठीक है, अगर हम रेट इन्फो देखेंगे तो ट्राइंगल वाला ने का 10% विच इज डिसेंट, ओवल वाले 30% एंड 60% फॉर द टीयर वन. अब हम देखेंगे अलग अलग स्टैट्स, क्योंकि तीन तरह के स्टैट्स होते हैं हर एक कलर पे. सबसे पहला रेड वाले पे होता है अटैक परसेंट, इट इज़ ऑलवेज देयर, या एडिशनल अटैक या फिर हीलिंग गिवन. तो इसमें अटैक और अटैक परसेंट बेस्ट है, हीलिंग गिवन इज द वर्स्ट. तो वो बिल्कुल मत लगाना. हीलिंग गिवन मिले तो वो स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ होना है. ठीक है, कमिंग अप नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वन एडिशनल एचपी, एचपी परसेंट और फिर हीलिंग गिवन इंक्रीज. तो ये वाला भी बेकार है, ये नहीं लगाना है. इसको भी फ्यूज करके आपको बनाना है इनटू अ स्क्वायर वन. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो है, आई एम सेविंग टू मेक मोर स्क्वायर वंस. फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफेंस, एडिशनल डिफेंस एंड डैमेज रिडक्शन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. तो ये तीनों अच्छे, आप तीनों दे सकते हो, इट डजेंट मैटर मच. फिर ये वाले पे आते हैं तो यहाँ प्रिसीजन है, वन ऑफ द बेस्ट. ये वाले पे आते क्रिटिकल हिट डैमेज, वन ऑफ द बेस्ट, एंड डिफेंस पेनिट्रेशन. तो बेसिकली ये वाला जो जेम है लाइट एलिमेंट वाला, ये वन ऑफ द बेस्ट जेम्स इन द गेम. तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको देते हैं, बट या यू कैन पिक एंड चूज. ओके, डार्क एलिमेंट में स्पीड है पहले वाले पे, स्पीड इज गुड टू हैव. एडिशनल एमपी है विच इज़ ऑल्सो गुड टू हैव, एंड आई बिलीव लास्ट वाले पे एमपी कंजम्पशन रिडक्शन है विच इज़ नॉट दैट गुड. सो ये बहुत ही अच्छे जेम सेटअप है. अभी जो हमने जेम्स लगा रखे हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, इफ़ आई गो ओवर टू जेम, आपको दिखा देगा हमारे पास दो तीन दो 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 हर एक टाइप के है. ठीक है, अब आपको देखना आपका ओवरऑल स्टैट्स, देन यू कैन गो टू योर कैरेक्टर, लेट्स से संग जिन वू. यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करके जेम पे जाओगे, दिस इज द स्टैट्स दैट आई एम गेटिंग ऑन डे वन यूजिंग जेम्स, इज इन दैट स्वीट. वी गेट एच पी, वी गेट एम पी, वी एम पी कंजम्पशन रिडक्शन, वी गेट अटैक, वी गेट प्रिसीजन, वी गेट क्रिट डैमेज एंड डिफेंस परसेंट. तो ओवरऑल बेस्ट है, राइट. ये अप्लाई सिर्फ संग जिन वू पे नहीं हो रहा है, ये उसके हंटर्स पे भी अप्लाई हो रहा है. दिस इज इवन बींग अप्लाइड टू द हंटर्स. तो हंटर्स को भी प्रिसीजन फाइनली कहीं से ईजिली मिल जाएगा. दे विल गेट क्रिट डैमेज, दे विल गेट अटैक सिमिलर टू संग जिन वू. और ये शेडोज पर भी अप्लाई हो रहा है. तो शेडोज आर ऑल्सो बिकमिंग मोर पावरफुल विद दिस सिस्टम, एंड आई थिंक यू शुड ऑल डू दिस एवरी सिंगल डे. जाओ अपने हाइएस्ट स्टेजेस पॉसिबल खेल लो सभी पर, ठीक है. डू नॉट स्लीप ऑन दिस. आई विल डू 4, 5 and 6 मोस्ट प्रॉब्ली टूडे. सो या बिल्कुल करो बिफोर इट रीसेट्स, बहुत ज़्यादा वैल्यू है. अमेजिंग अमेजिंग चेंज, पावर अप करने में बहुत हेल्प करेगा आपको. लेट मी शो यू फॉर एन एग्जाम्पल. इसको हम बाद में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट. सो आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. यहाँ पर लेट से मैं ये वाला जेम लगा लेता हूँ, ठीक है. आपको दिखाई देगा हमारा कितना पावर लेवल बढ़ता है सिर्फ 0.03 स्पीड बढ़ने से, ठीक है. दिस इज़ वेरी बैड. अब देख सकते हो हमारा पावर कितना बढ़ा, इट वेंट बाय 60 और समथिंग, राइट. आई डिडंट सी इट प्रॉपरली, बट या सभी का पावर बढ़ा है, सिर्फ संग जिनबू का नहीं, सभी का पावर बढ़ा है. तो दैट इज ग्रेट, राइट. वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स आई हैव सीन इन दिस गेम सो फार, एंड मुझे बहुत पसंद आया. सो व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन ऑन द जेम्स, लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. क्या आप एक अच्छा सेटअप बना पाए हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट, टेक केयर.